এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে এগিয়ে রাখে। প্রতিনিধি অর্ণব মুখোপাধ্যায়। মিমের সর্বভারতীয় সভাপতি আসাদউদ্দিন ওয়াইসি তিনি এখানে এসেছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি, এবং তিনি বৈঠক করলেন ফুরফুরার পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকীর সঙ্গে। আপ লোক কে চাতে? देखिए, हम एक MIM पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है। हम अपने पार्टी को एस्टेब्लिश करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। तो आप लोग क्या गठबंधन में लड़ेंगे एक साथ विधानसभा? फ्यूचर का जो भी फैसला होगा वो अब्बास सिद्दीकी साहब आपको बताएंगे, विद इन अ वीक आपको बताएंगे। अब्बास सिद्दीकी साहब क्या फेस है बंगाल में? अब्बास सिद्दीकी साहब हमारे बड़े हैं और हम उनको अपना बड़ा मानते हैं और उनके साथ हम खड़े रहकर काम करेंगे। इधर तृणमूल पहले से आपको अटैक कर रहा है, बात बोल रहा है कि आप बीजेपी का भाजपा का बी टीम है, मुसलमान वोट काटकर भाजपा को सुविधा दे रहा है जैसे बिहार में आप दिए हैं। TMC को चैलेंज कर रहे कि क्या ये बात सच नहीं है कि जब गुजरात जल रहा था जब ममता कहाँ थे? दूसरी बात, हम पार्लियामेंट इलेक्शन नहीं लड़े, यहाँ बीजेपी 18 MP जीत गए, कैसा जीती? क्या आप सौदा कर लिए थे? तीसरा, बिहार का एम्पिरिकल एविडेंस है कि 20 सीट्स पर MIM ने कंटेस्ट किया, 5 हम जीते, 9 पर गठबंधन जीता, कांग्रेस RJD के लोग, 6 सीट पर NDA जीता, और 6 सीट पर जहां MIM के कैंडिडेट्स ने वोट लिया वो बीजेपी का मेजॉरिटी से बढ़ के था, इसके बावजूद बीजेपी कैसे गवर्नमेंट बनाया वहां पर, इसके बारे में सोचना है। तो ये इल्जाम झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो ये ममता गवर्नमेंट के बारे में आपको क्या कहना है, क्या राय है? भाई, आप बीजेपी को तो रोक नहीं पा रहे यहाँ पर, इतना लोग उनके पार्टी से भाग रहे हैं, हमसे पूछ के जा रहे क्या? वो तो उनको बताना पड़ेगा क्यों छोड़ रहे हैं ममता को लोग। इशू क्या होगा आपको? इशू बहुत होगा, बंगाल का अंडर डेवलपमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ वीकर सेक्शन, हिस्सेदारी की बात होगी, सब होगा। আমরা কথা বললাম আসাদউদ্দিন ওয়াইসির সঙ্গে, তিনি কিন্তু জানিয়ে দিলেন যে বাংলা বিধানসভা নির্বাচনে তারা লড়বেন এবং পুরোটাই তারা লড়বেন হচ্ছে সন্নাতুল জামাতের যিনি রয়েছেন তার নেতৃত্বে, এখানে পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকীর নেতৃত্বে তারা কিন্তু কাজ করবেন। ক্যামেরায় সন্দীপ সাধুকার সঙ্গে অর্ণব মুখোপাধ্যায়, এবিপি আনন্দ, ফুটফুরা শরীফ। যদিও ওয়েসির এই বাংলা সফরকে গুরুত্ব দিতে নারাজ তৃণমূল। কিছুক্ষণ আগে আমরা টেলিফোনে যোগাযোগ করেছিলাম তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়ের সঙ্গে, তিনি আমাদের কি জানিয়েছিলেন শোনাবো আপনাদের। আসাদউদ্দিন ওয়েসি যে পশ্চিমবাংলায় আসবেন তিনি তো আগেই ঘোষণা করেছিলেন। আব্বাস সিদ্দিকীর সঙ্গে মিটিংটা নতুন ব্যাপার, হয়তো উনি বুঝতে পেরেছেন ওয়েসি যে বাংলায় তার কোনো প্রভাব হবে না, তার কারণ বাংলায় উর্দু ভাষী মুসলমানের সংখ্যা কম। উনি এখন ফুরফুরার পীর সাহেবের আত্মীয়দের সাথে যোগাযোগ করছেন, কিন্তু আমার মনে হয় এতে কোনো সামগ্রিক